यूपी के कासगंज में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। दरअसल पटियाली क्षेत्र के गांव नीवलपुर में रविवार को दोपहर प्लाट की नींव खुदवा रहे परिवार पर पड़ोसी के मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें पिता पुत्र और दो सगी बहनें मलबे में दब गई। घटना की खबर सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण और पुलिस ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। चारों की हालत गंभीर थी, जिन्हें इलाज के लिए फरुखाबाद भेजा गया, लेकिन रास्ते में भाई और दोनों बहनों ने दम तोड़ दिया, जबकि पिता की हालत गंभीर है। आज जैसा कि आपको अवगत है कि यहाँ पे जोगराज सिंह पुत्र बहुरन सिंह की एक दीवार गिरने के कारण उन्हीं के परिवार के सदस्य थे, राम लड़े थे, तो उन्हीं के तीन बच्चों की अभी मृत्यु की हमें सूचना मिली है। तो इसी मौके पे हम सब पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। इसमें कितने लोगों की सर मृत्यु हुई है? अभी जिस तरह से हमें सूचना मिल रही है उनके परिवारजनों से, तीन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बता दें कि नीवलपुर के राम लड़ेते अपने प्लाट पर मकान बनवाने के लिए रविवार दोपहर में नींव की खुदवाई करवा रहे थे। उन्होंने एक राजमिस्त्री को बुला रखा था और मजदूरी का काम वो खुद परिवार के सदस्यों के साथ कर रहे थे। इसमें उनके अलावा उनका बेटा और दो बेटियां शामिल थी, लेकिन नींव की खुदाई के दौरान पड़ोसी योगराज के मकान की दीवार भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें पिता पुत्र और दोनों बहनें मलबे में दब गई। राम लड़ेते के प्लाट के पड़ोसी योगराज ने अपने मकान की दीवार ऊंची उठवाई थी। उनके यहाँ निर्माण कार्य शनिवार को ही पूरा हुआ था, इससे दीवार पूरी तरह मजबूती नहीं पकड़ सकी थी। तभी राम लड़ेते ने रविवार को अपने प्लॉट में काम शुरू करा दिया। वो दीवार के साइड की नींव खुदवा रहे थे कि ये दुर्घटना हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं पिता की भी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कासगंज से विवेक राय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।